हे गाइस, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, होप यू आर डूइंग वेल, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे व्लॉग में। तो अभी जो है वो शाम के 4 बज रहे हैं और आज जो है हम वो खेतों में जा रहे हैं सरसों का साग लेने। हरी सब्जी भी कहते हैं लेकिन हमारी लैंग्वेज में जो है हम सरसों का साग कहते हैं। तो मेरे साथ पूनम है, मेरी कज़न धनुषा है, मैं हूँ और मम्मी है। तो हम चारों आज जा रहे हैं खेतों में हरी सब्जी लेने। तो चलो चलते हैं, आज का व्लॉग है आपको दिखाते हैं। तो गाइस, काफ़ी लोग पूछते हैं कि पूनम क्या बना रही होगा, वीडियो में देखा होगा ये सिंधी जो कैप है पूनम वो बनाती है और ये जो है वो मामा ने बनाई है और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। खोल के दिखाओ इसका, उल्टा करो। तो ये जो है इसका अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ टोपी का। ये कैप जो देख रहे हैं आप, ये जो है ये कटेंगे, ये जो साइडें देख रहे हैं आप और इस तरफ जो फ्रंट लुक है आप देख सकते हैं टोपी का। तो ये सिंधी कैप है और पूरे पाकिस्तान में जो ये वर्ल्ड फेमस है सिंधी कैप, आप सर्च करके गूगल पर भी देख सकते हैं। तो हरी सब्जी के लिए पूनम जो है ये कपड़ा ले रही है, हम देख सकते हैं इसमें जो है हम लाएंगे। तो अभी हम निकलते हैं, अभी हम जा रहे हैं। ये रास्ता जो है देख सकते हैं, ये खेत हैं और इस तरफ जो है वो घर बने हुए हैं। तो ये खेत देख सकते हैं आप, हरियाली हरियाली है। पूनम इस तरफ देखो, चलो। ये खेत देख सकते हैं आप, हमें जो है वहाँ पे जाना है और इस तरफ जो है वो हमारा गांव है, आप देख सकते हैं ये गांव का व्यू। तो मम्मा और धनुषा आ रहे हैं, जो है वो गंदम का फसल है, देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत है, हरा भरा लग रहा है खेत। यही हरी सब्जी है जो हम लेने आए हैं, ये देख सकते हैं आप। आज का जो हमारा प्लान था वो मंदिर जाने का था। मैंने जो है 4-5 मिनट का जो है वो मतलब ब्लॉग बना भी लिया था मंदिर का, लेकिन मेरी जो बाइक थी वो मेरा दोस्त लेके गया था, इसलिए जो है मैं मंदिर नहीं जा पाया। और मैंने सोचा चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मंदिर दिखाऊँ। मैं नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मंदिर का बनाऊँगा। अभी जो है हम सरसों के खेत में पहुँच चुके हैं, ये पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पर इतना सुकून है, यहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ कितना खूबसूरत है यहाँ का व्यू। यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो इनसे जो है सरसों का तेल भी निकलता है, गांव के जो लोग हैं वो इसका सेवन भी करते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हैं हरियाली हरियाली है, ये देखो यहाँ का व्यू चेक करो कितना खूबसूरत है। और पूनम जो है वो हरी सब्जी ले रही है, यहाँ से देख रहे हैं आप इसके जो भी छोटे छोटे पत्ते हैं तो उनको ले रही है। यहाँ पे इतना सुकून है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं। पीछे मम्मी भी है, धनुषा भी है और पूनम जो है ये रही। यहाँ पे बहुत ही सुकून है, इतना मज़ा आ रहा है। गांव की जो लाइफ होती है वो बेस्ट लाइफ होती है, क्योंकि यहाँ पे जी वगैरह जो भी आप देख सकते हैं कि कैसे हम हरी सब्जी लेने आए हैं वो सारी फ्रेश और ऑर्गेनिक होती है। शहर से अगर हरी सब्जी लेते हैं तो वहाँ पे पता नहीं कितने दिनों की पड़ी हुई होती है, 2-3 दिन की पड़ी हुई होती है, वो पानी दे दे कर मतलब बेचते हैं, फ्रेश नहीं होती। ये बिल्कुल फ्रेश होती है, नेचुरल होती है और इससे खाने में जो मज़ा आता है वो आपको क्या बताऊँ। ये फुल खेतों का व्यू है आप देख सकते हैं। तो धनुषा जो है वो रही, मम्मी जो है वहाँ पे ले रही है और पूनम और मैं यहाँ से ले रहे हैं।
तो पूनम ने जो है वो इतना जमा किया है, चलो पूनम चले जी, आगे चल के लेते हैं, आगे चल के लेते हैं, चलो भाई। काफ़ी हरी सब्ज़ी जमा हो गई है और बिल्कुल फ्रेश है, तो अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि शाम का वक्त हो गया है और शाम के जो हैं वो 5 बज रहे हैं। तो अभी सर्दियों के दिन हैं और दिन काफ़ी छोटे हैं, तो दिन भी ढलने वाला है, तो सारा जिसने भी तोड़ा है, जितनी भी हरी सब्ज़ी तोड़ी है वो जमा कर रहे हैं सारे। मम्मी जो है वो इतनी लाई हैं और धनुषा पता नहीं कितनी लाई हैं, ये दोनों की हैं, धनुषा की और मम्मी की दोनों की। चलो पूनम दिखाना कितनी सब्जी ली है आपने। इतना सारा लिया है कि 2 दिन खाएंगे। अच्छा, दो दिन का होगी। दिखाना कितना वजन कितना होगा इसमें। इसमें 2 किलो होगा। 2 किलो। अच्छा पूनम, तो ये अगर आप शहर से परचेस करते तो ये कितने का होता है? ये 50 रुपीज पर केजी है। हाँ। ये 2 किलो है तो ये 100 के होंगे। अच्छा, ये 100 के पड़ते हैं आपको, है ना। तो है, हम घर जा रहे हैं। तो अभी हम घर पहुंच गए हैं और अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ और इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो अभी ये शाम के 5 बज रहे हैं और अभी से हमने तैयारी शुरू कर दी है ताकि ये 8 बजे तक बन भी जाए। तो आप देख सकते हैं कितनी ताज़ी और फ्रेश लग रही है। तो कैसा लगा हमारा आज का आपको ये व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी हमारा वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। वॉच टाइम कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, के बाद होगा हमारा चैनल मोनिटाइज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्लॉग देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।